नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 की। 28 मार्च 2022 को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान बिल 2022 पेश किया है, जिस पर विपक्षी दलों ने काफी हंगामा किया। उनका कहना है कि इससे सरकार की जरूरत से ज्यादा निगरानी होगी, जिससे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ उसकी निजता का भी हनन होगा। परंतु 58 मतों के मुकाबले में 120 मत इस बिल को पेश करने के लिए मिले, जिसके साथ में ये बिल पेश किया गया। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस विधेयक के अंदर है क्या, ऐसा क्या है कि विपक्षी दल के नेताओं का मानना है कि ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और निजता का हनन है। जैसे कि आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, कहीं कोई अपराध होता है और जब बड़ा अपराध होता है तो वहां पर डिटेल निकाली जाती है कि किस अपराधी ने किया होगा, और क्योंकि उनके पास में डिजिटली सारा डेटा अपराधी का मौजूद होता है तो वो एक एंटर से सारा डिटेल निकाल लेते। ये विधेयक कुछ कुछ उसी तरह से है, क्योंकि बाहर विदेश में किसी भी अपराधी का फिजिकल बायोलॉजिकल सारी डिटेल्स ली जाती है, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसके डीएनए, उसके हेयर सैंपल्स आदि जैसे चीजों का, ब्लड टेस्ट आदि सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। परंतु जो इंडिया में प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ एक्ट है, जो कि 102 साल पुराना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 को फॉलो किया जाता है, जिसके अंतर्गत फोटोग्राफ्स हो गए, फिंगरप्रिंट्स हो गए, फुटप्रिंट्स हो गए, ये सारी डिटेल हम सेव करके रख सकते हैं। वो भी हमको इसके लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी परमिशन के बाद ही हम ये सारा डेटा उसका अपराधी का रिकॉर्ड में रख सकते हैं। परंतु क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक को जोड़ता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920, जो कि अंग्रेजों के टाइम पे बनाया गया था और जो 102 साल पुराना है, वो आज के टाइम में इतना व्यवहारिक नहीं है। आज की जरूरत है कि हम उसको और एडवांस करें, क्योंकि हमारे पास में तब इतनी टेक्निक नहीं थी, इतनी सारी चीजें नहीं थी जो कि हमारे पास में रिकॉर्ड से करके रखा जाए। तो यहाँ पर जरूरत महसूस की जा रही थी कि अपराध को रोकने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए और उसके साथ ही उनका दोष अदालत में सिद्ध हो, इसके लिए जरूरत है कि अपराधियों की इस तरह की डिटेल हमारे पास में हो। सरकार का कहना है कि आधुनिक तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा अपराधियों के रिकॉर्ड को रखने के लिए, और सदनों के दोनों सदनों से पास होने के बाद ये बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। कानून लागू होने के बाद में पुलिस की ताकत काफी हद तक बढ़ जाएगी। पुलिस को ना सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के लिए बल्कि उनके इन्वेस्टिगेशन में भी इस रिकॉर्ड से काफी सहायता मिलेगी। 2022 के बिल के अनुसार अपराधियों से संबंधित रिकॉर्ड को बढ़ा दिया गया है। अब इसमें पाम प्रिंट इम्प्रेशन, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे कि ब्लड टेस्ट, हेयर सैंपल एंड डीएनए आदि का भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि वो समाज की सुरक्षा और शांति के लिए खतरा हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को नोटिस देके बुलाया जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि आप हमको सिक्योरिटी दीजिए कि आप इस तरह की कार्यवाही नहीं करेंगे। तो शक के बिना पर ऐसे व्यक्तियों की भी डिटेल पुलिस अपने रिकॉर्ड में रखेगी। अपराधियों से संबंधित जो रिकॉर्ड रखा जाएगा, इसको जिस स्थिति से इसको लिया गया है उससे 75 साल तक के लिए इसको सेव किया जाएगा, और इसको अगर डिस्ट्रॉय करना है तो उन व्यक्तियों का रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय किया जाएगा जिनने पहले से कोई अपराध नहीं किए गए थे, जिन्होंने किसी अपराध के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ट्रायल चला, और कोर्ट ट्रायल में किसी भी स्टेज पे अगर उनको छोड़ दिया गया है तो ऐसे व्यक्तियों का जितना भी रिकॉर्ड होगा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो एनसीआरबी को दी गई है, यानी कि नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो को दी गई है। एनसीआरबी को इसके साथ ये भी अधिकार दिया गया है कि वो भारतीय एजेंसी जैसे रॉ, आरबी या सीआईटी को अगर जरूरत पड़ती है तो वो ये सारा जो डाटा है अपराधियों का वो उनके साथ साझा करेंगे, ताकि वो भी उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि ये सारा रिकॉर्ड कौन लेगा, तो यहाँ पर भी क्लियर किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा, वो
और कोई भी व्यक्ति जिस जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो और सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट को भी ये पावर दी गई है कि अगर वो किसी पर्सन को इन्वेस्टिगेशन के लिए डिटेल देने के लिए ऑर्डर कर सकता है। इसके साथ साथ इस बिल में ये भी प्रावधान किया गया है अगर कोई व्यक्ति इस तरह की डिटेल देने से इनकार करता है तो उसे आईपीसी के सेक्शन 186 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा और उससे संबंधित उसको सजा का भी प्रावधान दिया गया है। विपक्ष दल के नेताओं का कहना है कि इस बिल के कारण सरकार की मनमानी बढ़ेगी, सरकार की निगरानी बढ़ने के कारण व्यक्तियों के मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार का हनन होगा। इसके साथ ही साथ इसमें उन व्यक्तियों के लिए भी जो राजनीतिक विरोध और प्रदर्शन करते हैं उनके भी रिकॉर्ड और डिटेल लेने का प्रावधान है जिसका भी विरोध किया जा रहा है। इसके साथ साथ विरोधी दल के नेताओं का कहना है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन करता है जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये मानवाधिकार का भी उल्लंघन करता है और जहां तक अगर हम सारे कानून को अगर देखें, अगर ये बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से भी अगर ये क्लियर हो जाता है तो ये कहा जा सकता है कि भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून होगा। इससे न सिर्फ अपराधियों को पकड़ने में आसानी होगी बल्कि अपराधों को भी एक हद तक सीमित किया जा सकता है और इसके साथ ही अदालतों को भी ये एक बड़ी सहायता मिल जाएगी कि वो किसी भी अपराध को सिद्ध कर सके। धन्यवाद।